हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता। आज मैं आप लोगों को मोगरा प्लांट की केयर बताऊंगी और छोटी सी प्लांट में आप कैसे ऐसे फूल पा सकते हैं वो भी बताऊंगी। देखिए, मेरे प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटी सी है, फिर भी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और इसमें बहुत सारी कलियाँ भी है नीचे से ऊपर तक। आप भी ऐसे फूल पा सकते हैं अपने मोगरा प्लांट में, तो मैं जो खाद बताऊँगी आप वही इस्तेमाल करें। तो चलिए देखते हैं कौन सी खाद डालनी है और कैसे इसको रखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ खाद। तो सबसे पहले आप लोग इसके जो टॉप सॉइल का मिट्टी है उसको हटा ले। ये देखिए कितने अच्छे से फ्लावर हो रही है इसमें। ये खाद डालने का काम अगर आप फरवरी लास्ट तक या मार्च में भी कर सकते हैं, मार्च के बीचों बीच तो अच्छी होगी। तो सबसे पहले आप उसके टॉप सेल की जो मिट्टी होगी उसको हटा देनी है और ये खाद डालनी है। ये है एक शेल पाउडर। इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। जो अंडे के छिलके होते हैं उसको सुखा के चूरा कर लेनी है। चूरा करके इसको आप बना के भर के डब्बे में रख सकते हैं। और ये है नीम खली। 2 चम्मच नीम खली लेनी है, 2 चम्मच एक शेल पाउडर लेना है। और यहाँ पर 1.5 चम्मच, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये पुरानी सरसों की खली है। पुरानी ला के रखे तो अच्छी है, नए जो होती है नया सरसों की खली वो प्लांट में थोड़ी ख़राबी करती है, तो पुरानी करके डाले तो अच्छा है। और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी लेनी है, बड़े मुट्ठी से। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं हो तो आप पुराने काउडंग के खाद ले सकते हैं, जो गोबर की सड़ी हुई 1-2 साल पुरानी खाद होगी, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने मिट्टी है, जब रूट दिखने लगे उस तरह से आप मिट्टी हटाएं ताकि इसके ऊपर के रूट दिखने लगे, उसके बाद ही आप खाद को डालें। तो सबसे पहले आप इसमें नीम खली डाल दें, अच्छी तरह से डालें, चारों तरफ घुमा के। जैसे आपकी पॉट होगी उसी तरह से आपको डालना है। मेरा पॉट यहाँ बहुत छोटी है, जो ग्रो बैग है 8 इंच से थोड़ी बड़ा है। और जो सरसों की खली और एक शेल पाउडर बच गए इसको मिला लें। मिला के आप इसको उसी तरह से बिखेर दें चारों तरफ से ऐसे गोल करके। मोगरा प्लांट में कैल्शियम की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए एक शेल पाउडर डालना है। तो मैं चूरा की हूँ, आप लोग अगर चाहें तो इसको मिक्सी में ग्राइंड करके बिल्कुल ही बारीक कर ले, बारीक करके तब इसको डालें तो और अच्छे काम करेगी। ऐसे करके बिखेर देना है ये जो खाद मिलाए होंगे, और इसको अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दे ताकि ये जो सारे खाद डाले गए हैं ये आपस में मिल जाए। उसके बाद आप ये जो वर्मी कंपोस्ट है उसको बिल्कुल ही ऊपर डालें, सबसे ऊपर पहले नीम खली, फिर एक शेल और सरसों की खली, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट। ऐसे करके डाल के सबसे ऊपर लेयर बना देनी है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट अगर ना हो अवेलेबल तो आप इसमें काउडंग का खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल। और मैं इसमें कुछ केमिकल खाद डाल के बताती हूँ, अगर आपके पास ऑर्गेनिक नहीं है तो। आपको बिल्कुल ही कम मात्रा में लेनी है, चम्मच से आधा चम्मच के हिसाब से। देखिए, यह है एप्सम सॉल्ट और रेड पोटास, दोनों को आधा आधा चम्मच लेके डालनी है। ये प्लांट के लिए अच्छे होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, और ऑर्गेनिक डालने से सबसे अच्छा ये एप्सम सॉल्ट है। तो आप ऐसे डाल सकते हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद है तो आप ज़रूर ऑर्गेनिक ही डालें, जैसे केले का छिलका का सुखाया हुआ पाउडर, या प्याज के छिलके का पानी, या प्याज के छिलके आप सीधे इसमें डाल सकते हैं। कुछ प्याज के छिलके लेके इसमें नीचे मिट्टी के अंदर दबा दें, जैसे ही दबा रहे हैं। ये जो केमिकल खाद है आप ऐसे करके होल कर ले पॉट के 2 साइड में, और थोड़ी मात्रा में आप डाल दें ऐसे करके, और मिट्टी से दबा दें। इसको जड़ के पास बिल्कुल ना डालें। और ये आप अगर केमिकल खाद डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आप 2 महीना 3 महीने में एक बार डाल सकते हैं। आप कोशिश करें ऑर्गेनिक डालने के लिए। तो ये रेड पोटास भी 2 साइड दबा देंगे ऐसे किनारे मिट्टी में लेके, और उसके ऊपर से जो मिट्टी है उसको बिछा देंगे। ऑर्गेनिक में आप केले का छिलके का जो चूर्ण होता है, तो केले का छिलके आप जब खाते हैं उसको सुखा ले, सुखा के उसको पाउडर करके आप रख सकते हैं। उसको आप डाल सकते हैं 15-20 दिन बाद बाद 2-3 चम्मच, उसमें ज़्यादा भी पड़ जाने से कोई ख़राबी नहीं आती है। और प्याज के छिलके का भी पानी डाल सकते हैं, और केले का जो छिलका होता है उसको भी आप अगर रखेंगे भिगो के पानी में 4 से 5 दिन, उसके बाद जो उसमें से लिक्विड निकलेगी वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक में। मोगरा प्लांट जो है इसको धूप बहुत पसंद है, तो आप इसको फुल सनलाइट में रखें, लेकिन जब ज़्यादा मई में गर्मी हो जाए तेज़ धूप से इसको थोड़ी बचाना भी चाहिए। तो आप पूरी गर्मी जब पड़ जाए
तो इसको आप थोड़ी सी छांव की जगह दे दे और पानी ध्यान से दे, और अभी खाद डालने के बाद पूरी तरह से पानी डाल दे। रोज़ाना पानी डालने के समय आप याद रखें, इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, जब उसके ऊपर के टॉप सॉइल सूख जाए तभी इसमें पानी डालें, और आप इसको बड़ी पॉट में लगाने का कोशिश करें ताकि ये प्लांट पूरी गर्मी में अच्छी तरह से चलती रहे और फ्लावरिंग करती रहे। गर्मियों के मौसम में इसको ज़रूर आप उसको पत्ते के ऊपर से नहला दे, स्प्रे कर दे, 2-4 दिन बाद बाद तो ये प्लांट बहुत अच्छी चलती है। तो आप जरूर इसके ऊपर पत्ते के ऊपर पानी स्प्रे करें तब ये प्लांट अच्छी चलती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।